वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कल क्लास हमारी 11th अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास थी, जिसमें हमने बेसिकली आपका अकाउंटिंग, बुककीपिंग और अकाउंटेंसी क्या है ये समझ लिया था। आपको उसमें अभी इतना ही समझना है, जो बाकी इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस रहेगी वे अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगे, आपको उसको नहीं करना है। जितना कुछ आपको थ्योरेटिकल काम करना है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको फिर नोटबुक में फिर कर लेंगे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन एंड प्रिंसिपल, और भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल। अकाउंटिंग क्या है आप समझ ही गए, तो आज हम बात करेंगे असम्पशन और प्रिंसिपल की। क्या होता है बेटा बेसिकली, जैसे कि असम्पशन क्या होता है, पहले तो हम मीनिंग समझते हैं। असम्पशन क्या होता है? असम्पशन होता है माना गया, इसकी मीनिंग हिंदी में ही आती है। और बेसिकली क्या होता है, आपने 10th क्लास में भी कुछ मैथमेटिकल में क्वेश्चन करे होंगे जिनमें आप कोई वैल्यू एक्स मान लिया करते थे, वाई मान लिया करते थे, तो होता क्या था वहां पर भी आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाते थे, आपको जो एक्चुअली आंसर चाहिए होता था वहां तक पहुंचाते थे। सिमिलरली एक अकाउंटेंट कुछ असम्पशन मानकर अपनी अकाउंटिंग करता है, उससे होता क्या है, उससे होता ये है बेटा फाइनली वो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाता है। कल मैंने आपको बताया था रिजल्ट में क्या होता है, फाइनली ये पता चलता है बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसका कैश फ्लो कैसा है, ये सब बातें पता चलती हैं। तो कुछ अजम्पशन को मान के ही अकाउंटिंग की जाती है। अब बात करते हैं आपके लेसन नंबर, ये 3 में है आपके, लेकिन आपको पहले ये नहीं समझना है, पहले नहीं पढ़ना है, लेसन नंबर 2 में उसके बाद आएंगे। लेसन नंबर 1 मैंने आपको करा ही दिया, लेसन नंबर 3 है, इस पर डिस्कस करेंगे। और वर्ड क्या नाम है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, राइट। तो ये भी आपको कुछ सिद्धांत कह सकते हैं, अजम्पशन मान लेते हैं, ये अकाउंट के बेसिकली अजम्पशन और प्रिंसिपल है जिनको मान के ही अकाउंटिंग की जा सकती है, राइट। तो आज हम इन्हीं अजम्पशन को पढ़ेंगे, इन्हीं अजम्पशन को समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ आज ये, यूं तो आपकी बुक में कम से कम 14-15 है, लेकिन आज सिर्फ आपके लिए 5 लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना अकाउंटिंग की ही नहीं जा सकती। तो आप सबसे पहले इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और इन्हें दोबारा से रिवाइज करेंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आता है वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, और उसके बाद उनको फिर नोटबुक में फिर करेंगे। कहाँ से करना है, आपकी बुक भी है अगर आपने बुक परचेज कर ली, अदरवाइज इनके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपको लिखना है मैं पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूँगा। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन की, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अगर आप इसको ना माने तो रियलिटी में आप कभी भी कोई भी अकाउंटिंग में सही फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, राइट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये कहता है बिजनेस का एक सेपरेट प्रिंसिपल होता है। इस अकाउंटिंग में मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि बिजनेस का अपना एक अस्तित्व होता है, एक अलग एंटिटी होती है, उसी के थ्रू अकाउंटिंग की जा सकती है। मतलब क्या, मतलब ये समझिए बेटा, देखिए एक तो ये ओनर है आपका, और एक होता है बेटा आपका बिजनेस। बिजनेस बेसिकली क्या हो सकती है, बिजनेस बेसिकली आपकी एक फॉर्म हो सकती है, एक फैक्ट्री हो सकती है, एक शॉप हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है, राइट। एक ओनर होता है और एक क्या होता है बेटा, बिजनेस होता है। दैट मीन्स एक बिजनेस होता है और एक क्या होता है बेटा, बिजनेस मैन, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि ये बोथ आर द डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग है, राइट। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप इनको अलग अलग नहीं मानेंगे तो आपके अकाउंटिंग जो है मिक्सअप हो जाएगी, कि पर्सनल एक्सपेंस, इनकम, बिजनेस के इनकम और बिजनेस के एक्सपेंस में मिल ही जाएंगे, राइट। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना ये है बेटा ये दोनों अलग अलग होते हैं, और जब आप अकाउंटिंग करते हैं, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि आप बिजनेस के कौन हो बेटा, अकाउंटिंग। यानी कि आपको जितने भी बातें सोचनी है वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से समझनी है, बिजनेस के अकाउंटेंट हो आप, तब आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे, तब आप कोई भी एंट्री डालेंगे बिजनेस के अकाउंटेंट बनकर। आप बिजनेस मैन के व्यू से बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप बिजनेस मैन है, अगर आप बिजनेस के अकाउंटेंट के व्यू से सोचेंगे, आप बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे कि बिजनेस के पास क्या आ रहा और बिजनेस के पास जा रहा। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कराता हूँ, आपको थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ऐसे एग्जांपल के लिए बिजनेसमैन ने क्या करा बेटा, एक बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट,
अब ये तो बात आपको पता ही, अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो पैसे से स्टार्ट किया जाएगा, कुछ मनी चाहिए उसके लिए, से 50,000 से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जाहिर सी बात है, जब 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ देना पड़ेगा, ये पैसे बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये माना जाता है बेटा कि बिजनेस और बिजनेस मैन अलग है, मैंने आपको बात बताई थी। अब आप बिजनेस के हिसाब से नहीं, बिजनेस मैन के हिसाब से नहीं सोचेंगे कि इसके पास से पैसा चला गया, बल्कि आप उल्टा करेंगे, आप अकाउंटेंट है बिजनेस में, आप बिजनेस के व्यू से सोचेंगे और बिजनेस के व्यू के हिसाब से आपके पास पैसा आएंगे। कैश क्या होगा बिजनेस में, कैश इन होगा, राइट, कैश आएगा बिजनेस में, और बिजनेस मैन के हिसाब से कैश क्या होगा बेटा, कैश का आउटफ्लो होगा, कैश आउट होगा। लेकिन आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन सोचेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन बनाएंगे, वो सब बिजनेस के हिसाब से सोच के बनाएंगे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब फाइनली डिटेल में मैं आपको छोटा सा संक्षेप में बता दूं कि बिजनेस और बिजनेस मैन अलग अलग है। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट करने हैं वो बिजनेस के अकाउंटिंग हुआ और आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ये मान के आपको करना है, तभी जाके आप इसको कर पाएंगे और ज्यादा अच्छा तब समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर में आएंगे, तब बहुत सारे एग्जांपल वहां पर इस चीज के होंगे, राइट। चलिए आगे करते हैं सेकंड पे। सेकंड है बेटा आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये क्या कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या अजम्पशन, ये कहता है बेटा आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। मैंने बताया था ना कल, सबसे पहले यहाँ पे लिखा था ट्रांजेक्शन, देन उसको रिकॉर्डिंग, है ना, उसको रिकॉर्ड कहा करते हैं जनरल में या सब्सिडियरी बुक में, जनरल प्रॉपर में। तो ये मनी मेजरमेंट क्या कहता है, आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपका कैसे भी है जो कैश में उसकी वैल्यू नहीं है, मनी में उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप उसको मनी सॉरी उसको अकाउंटिंग नहीं करोगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा जैसे कि बिजनेस के लिए कितने ही इंपोर्टेंट इवेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे कि सपोज करो बेटा बिजनेस का ओनर का एक्सीडेंट हो गया, वो ऑफिस आ रहा था सुबह और ऑफिस आते आते ऐसा ना हो किसी के साथ और उसका एक्सीडेंट हो गया बेटा, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ओनर का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है डेथ भी हो जाए, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं आता, उसको उस घटना को उस इवेंट को आप कैश में मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसके थ्रू उसी ट्रांजेक्शन किया जाता है जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ नंबर थ्री, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये क्या होता है बेटा गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न होता है बेटा हिंदी में बोलते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। मतलब क्या, मतलब बेटा ये कि आपको ये मानकर चलना पड़ता है कि बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है, आप ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कि मैं एक महीना करूंगा या दो महीने बाद ही बंद हो जाएगा या मुझे नुकसान हो सकता है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। मेरा मतलब कहने का ये है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। तो ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, तो आप ये मान के चलेंगे बेटा इस पे एक्सपेंस जो होंगे, एक वर्ष के एक्सपेंस जो होंगे, उसका इफेक्ट एवरी ईयर पे पड़ना चाहिए, ना कि एक साल पे। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, आप ये सोच के चलिए बेटा एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि क्या होता है कोई कंसर्न अजम्पशन। इसके वजह से कैसे अकाउंटिंग आपकी बिल्कुल प्योरीफाई हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अकाउंट सही नहीं आएंगे। से एक आप क्या मान के चले, आप कोई भी बिजनेस मान के चलिए, आपने एक क्लॉथ की फैक्ट्री कर ली सपोज करो, जिसमें आपकी जो है बेटा शर्ट बनती है, राइट, उसमें आपकी शर्ट्स बन रही है। तो क्या हुआ, शर्ट बनने के लिए आपको पता है कुछ मशीन्स भी चाहिए होंगी, राइट, मशीन चाहिए होंगी।
मशीन जिस आपने बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट किया है इसी वर्ष सबसे 2020 आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो 2020 में किया है, पर उसके आपको जैसे बताया आप फैक्ट्री लगाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, उन मशीन को इन्वेस्ट करने के लिए बेटा से 5x आपके एक्सपेंस होंगे। जहाँ तक समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अजम्पशन को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल क्लियर करा रहा हूँ कि आपने एक शर्ट की फैक्ट्री लगाई बेटा जिसमें मशीन चाहिए होंगी आपको सबसे पहले, उसमें आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया मशीन पर। अब बात क्या आती है, क्या ये 5 लाख रुपए सिर्फ 2020 का खर्चा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको 2020 का खर्चा मानकर चलेंगे तो बिल्कुल गलत अकाउंटिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा 5 लाख रुपए आपने 2020 में इन्वेस्ट तो करे हैं, खर्च किए तो है मशीन में, लेकिन ये 5 लाख का जो बेनिफिट होने वाला है वो किसी एक वर्ष में होने वाला। आपका जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक आपको इन 5 लाख रुपए से फायदा होने वाला है। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं 5 लाख को डिवाइडेशन, वो आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वहां पे समझ में आ जाएगा कि 5 लाख को कैसे बांटते हैं, हर साल कैसे इसका हिसाब दिखाते हैं। लेकिन आपको ये बात मानकर चलनी पड़ेगी कि 5 लाख का जो एक्सपेंस है वो पर्टिकुलर 2020 का नहीं है, एक साल का नहीं है। जैसे बिजनेस चलेगा हमारा से ऐसा मान लेते हैं इनकी जो मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स मान लेते हैं, कि ये मशीनें जो है 10 साल तक चलेंगी, 10 साल तक ये खराब नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है पर ईयर का जो एक्सपेंस होगा वो होगा बेटा 5 लाख अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया बेटा 50,000 एक्सपेंस आया 2020 के लिए। सिमिलरली 20 के लिए 50,000, सिमिलरली 21 के लिए 50,000, ऐसे ही 22, 10 सालों तक आपका जो है ये 50,000 रुपये आप खर्चों में बांट देंगे। इससे क्या होगा, इस अजम्पशन के थ्रू क्या होगा कि खर्चे एक साल का एक्सपेंस का जो बर्डन है वो पर्टिकुलरली किसी एक ईयर पे नहीं पड़ा बल्कि हर एक ईयर पर उसका असर पड़ा, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है बेटा आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन जैसा आप नाम से समझते हैं कंसिस्टेंसी, राइट। आपने बहुत मैच देखते होंगे क्रिकेट मैच, वहां पर बात करते हैं कि रोहित शर्मा में कंसिस्टेंसी है, विराट कोहली में कंसिस्टेंसी है, तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। जस्ट लाइक मीनिंग दैट आप लगातार एक चीज में परफॉर्म करते रहना या फिर लगातार एक ही चीज को अपना लेना, राइट, वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है, ये भी अजम्पशन है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कि अगर आप कोई भी अपने यहाँ मेथड यूज करते हैं, आप अकाउंटिंग में देखो बेटा अकाउंटिंग के बहुत सारे रूल हैं, आपको बताऊं डबल एंट्री सिस्टम है आपके बुक पे लिखा होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम है, और उनके अंदर भी किसी भी चीज को करने के कई सारे मेथड हैं। जैसे कि आप फ्यूचर में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आप ये पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन के 9 चैप्टर है लेकिन आपके यहाँ पर सिर्फ दो डेप्रिसिएशन के 9 मेथड है लेकिन आपके बुक में 2 मेथड इंक्लूड किए गए हैं। तो मेरा वही कहने का मतलब है आपको कि अगर आप कोई से भी मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर आपने 2020 में बिजनेस स्टार्ट किया और 2020 में आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो आपको हर साल वही मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। उससे होता क्या है बेटा, उससे होता है आपके जो अकाउंट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर आते हैं, राइट। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन में यही होता है बेसिकली, और कुछ स्पेशल नहीं होता, कि आपको एक ही चीज अपना लेनी चाहिए और एक ही चीज को हिसाब से आपको चलता रहना चाहिए। एक मेथड जो आपने एक बार फर्स्ट ईयर में अपना लिया आप बार बार उसको अपनाएं तो अकाउंट ज्यादा अच्छे आएंगे। नाउ नंबर फाइव है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या है बेटा, लास्ट है और आज का सबसे ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है जैसे नाम से आपको पता चल गया अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, अकाउंट्स बनाने में पीरियड प्रिंसिपल, आपको एक पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से ही आपको अकाउंट करनी पड़ेगी। ये क्या है, क्या जरूरी है, क्या हम एक काम ना करें कि हमने 10 साल बिजनेस करा 50 साल बिजनेस करा हम सबसे बाद में अकाउंट कर लें, राइट, उसका रिजल्ट ना निकाल लें, ऐसा होना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं होगा बेटा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा ताकि आप पर्टिकुलरली अपना इवैल्यूएशन कर सके, राइट। जैसे कि हर साल आपके एग्जाम होते हैं तो एवरी ईयर आपके जो एग्जाम्पल होते हैं या आपके
टर्म वाइज एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ये क्यों होते हैं? ताकि स्टूडेंट का इवेल्युएशन किया जा सके कि वो बहुत अच्छा कर रहा है या बेकार कर रहा है या एवरेज कर रहा है, उसमें क्या कमी है और क्या उसमें खूबी है। उसी तरह से आपके अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से जो आप अकाउंटिंग करते हैं ना बेटा, इसका टाइम बना लेते हैं, एक लिमिट 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर का 1 साल होता है, लेकिन जैसे ट्रायल बैलेंस होता है हर महीने बनता है, और भी बता सकता हूँ मैं, सब्सिडी बुक हर महीने बनती है, डे टू डे बुक भी बनती है। उस हिसाब से आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होना चाहिए, जो बेसिकली एक ईयर का माना जाता है। आप 1 साल में अपने अकाउंट बिल्कुल क्लियर करें, इससे और क्या फायदे हैं? जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जांपल देके बताया, उसी तरह से बिजनेस का भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर रहा है, बेकार कर रहा है, ग्रोथ अच्छी कर रहा है या कम कर रहा है, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। और भी ज्यादा फायदे होते हैं। और क्या फायदे होते हैं? जैसे बेटा आपको बैंक से लोन लेना है, तो क्या बैंक लोन आपके बिजनेस को ऐसे दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, वो आपका हर साल का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, आपकी कंडीशन देखेगा, आपकी कंडीशन गुड है, बैड है और एवरेज है, उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा, अदरवाइज लोन नहीं दिया जाएगा। आई थिंक मैंने लास्ट 5 आपको 5 फर्स्ट अजम्पशन या प्रिंसिपल क्लियर करा दिए, आपके समझ में आ गए होंगे मैं समझता हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप वरी में कमेंट कर दें या फिर व्हाट्सएप में पूछ लेंगे, मैं कल एक बार फिर दोबारा से इनको लेकर आ जाऊँगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट 5 की बात करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।